हेलो फ्रेंड्स, शुभांगी ट्रेजर में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई। नान खटाई बनाने के लिए हमने एक कप मैदा लिया है जो कि लगभग 250 ग्राम है, आधा कप बेसन, 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 2 बड़े चम्मच सूजी, आधा कप घी, 5 से 6 पिस्ता की कतरन, आधा चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। सबसे पहले हम एक बोल में आधा कप घी और 3/4 कप पिसी हुई चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे 3 से 4 मिनट तक एक साइड में घुमाते हुए मिक्स करेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया है और घी और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मैदा, सूजी, बेसन, इलायची पाउडर और बेकिंग पाउडर को कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। अगर आप गेहूं के आटे से नान खटाई बनाना चाहते हैं तो आप मैदे की जगह पर गेहूं का आटा यूज ले सकते हैं। अब हम इसे हाथ से मिलाते हुए सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपका डो बंध नहीं रहा है तो आप उसमें थोड़ा दूध या फिर थोड़ा घी को ऐड कर सकते हैं, और अगर आटा ज़्यादा लूज हो जाए तो आप उसमें थोड़ा मैदा और बेसन को मिक्स कर सकते हैं। नान खटाई बनाने के लिए सॉफ्ट डो बिल्कुल तैयार है। और अब हम एक कढ़ाई में नमक को इस तरह से फैला लेंगे। इस तरह का स्टैंड रखकर किसी भी ढक्कन या प्लेट से ढककर हाई फ्लेम पर इसको प्रीहीट कर लेंगे। कढ़ाई प्रीहीट हो रही है, इतने में हम एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगाकर उसको फैला देंगे। अब हम डो में से एक छोटा सा पार्ट लेंगे और उसको इस तरह से राउंड बना लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको राउंड बनाते हुए हल्का सा प्रेस करेंगे और थंब की सहायता से सेंटर में प्रेस करके यहाँ पर हम पिस्ता की कतरन को लगा देंगे। हम इसी तरह से सारी नान खटाई बनाकर तैयार कर लेंगे। और अगर इसमें थोड़े बहुत क्रैक्स आते हैं तो आप उन्हें इसी तरह से रहने दीजिएगा। नान खटाई में क्रैक्स अच्छे लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हमने नान खटाई बनाकर इस तरह से प्लेट में रख दी है और हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब हम प्लेट को स्टैंड के ऊपर रख देंगे और ढक्कन से ढककर लो फ्लेम पर नान खटाई को 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। दस मिनट बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर बेक होने के लिए रखेंगे। टोटल 15 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और नान खटाई को कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे। और जो बाकी का बचा हुआ डो है उसकी भी हम इसी तरह से नान खटाई बना लेंगे। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। नान खटाई ठंडी हो गई है और ये देखिए कितने अच्छे से बेक हो गई है, और ये देखिए अंदर से भी कितनी कुरकुरी और अच्छी बनी है। तो दोस्तों, आप भी नान खटाई बनाइए, खाइए, और ऐसे ही इजी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। यम्मी। इतने डो में लगभग 20 से 22 नान खटाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।